फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड, एसएससी स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। देखिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से ऑलवेज ट्राई करता हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और मैंने इस चैनल में आपके बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया है, आप एक बार ज़रूर देखें। और नए सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के मेरी जितनी भी आपकी एडवांस लेवल की 124 वीडियोस हैं, ठीक है, और अभी तो आपके पास टाइम भी है, प्लस आप जो 10 वीडियोस हैं ये कंसेप्चुअल वीडियोस हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के लिए, ठीक है। इसमें मैंने प्रूफ भी दिया आपको, ये बिल्कुल एक क्रैश कोर्स है। देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इनमें से बाहर नहीं आने वाला। आप मैथ्स और ज्योमेट्री में इतने परफेक्ट हो जाओगे, आपको कोई बुक जो है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जितना भी मैंने वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर की हैं, काफ़ी मेहनत लगी मेरे को, आप एक बार देखिएगा ज़रूर। आप लोग यार क्या करते हो, आप लोग सिर्फ चैनल्स की ब्रांडिंग के पीछे भागते हो, किसी चैनल के कितने व्यूज़ हैं आप उस चीज़ के बारे में जो है वो ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है यार, ठीक है। जो बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो बेस्ट आपको कंटेंट दे रहा है, आप लोग उसी का देखिए, ठीक है। मैंने ये चैनल स्टार्ट करने का मकसद मेरा यही था कि आपको, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे जो इतने एक्सपेंसिव कोचिंग लेकर के फिर भी उनको बिल्कुल सिंपल सिंपल बेसिक्स तक नहीं पता, फिर क्या फ़ायदा है ऐसी कोचिंग लेने का, और क्या फ़ायदा है आपको अपने पैसे ख़राब करने का। इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए मैंने पहले से ही आपके लिए ये वीडियोस बना के रखी हैं। और मैं बिल्कुल आपको ये चीज़ दे देता हूँ, अगर आप कोई भी बुक परचेज करते हैं, ठीक है, बुक्स में आपको यार अगर आपको बुक्स में कोई भी फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर दिया, अगर वो क्वेश्चंस में कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वहाँ पे कोई बंदा तो आने वाला नहीं है आपको समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको इतना डिटेल में मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ, और फिर भी अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है, कमेंट के नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कमेंट। कमेंट बॉक्स बना है कमेंट करने के लिए, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और वैसे कोई दिक्कत आती भी नहीं है स्टूडेंट्स को इतना सब देखने के बाद, ठीक है। सो अभी शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था, मैंने इसका ज्योमेट्रिकल आपको अप्रोच बताई थी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। लेकिन ज्योमेट्रिकल अप्रोच सिर्फ आपके एंगल्स वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए ठीक होती है, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं आता। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा हथियार है जो आपका ऑलवेज एप्लीकेबल होता है हर कंसेप्ट के लिए, तो यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लेते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपको पता है टोटल 24 है, 30 है, तो ये एंगल कितना हो गया, 126 हो गया। अब 126 हो गया, लेट्स सपोज कि इसको थीटा मान लेता हूँ, इसको 126 माइनस थीटा मान लिया मैंने। अब अगर ये 24 है, ये थीटा है, ये 30 है, तो ये एंगल, अब ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल दे रखी है, तो ये भी आपका थीटा हो गया। अब यहाँ पर आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अप्लाई साइन रूल, ठीक है, अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल डी सी बी, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ डी सी बी में, ठीक है। साइन 30 प्लस थीटा, इसके सामने वाला आपका बी डी हो गया, इज इक्वल टू साइन, एक ये भी देख लीजिए, ये आपका 120 माइनस 6 है, ये 30 है, तो ये आपका कितना आ गया, थीटा माइनस 6, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस 6, इसके सामने वाली साइड आपकी डी सी होगी, ठीक है, लगा लिया आपने। अब ऐसे ही डी ए बी ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है, डी ए बी। अब इस ट्राइंगल में देखिए, साइन 30 और इसके सामने वाली साइड आपकी ए डी इज इक्वल टू, दूसरा आपका हो गया साइन 126 ये वाली साइड और बी डी, ठीक है। अब देखा जाए तो आपका ए डी जो है वो डी सी के इक्वल है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैचअप हो जाएंगी, ये चीज़ें इनको इक्वेट कर लीजिए फर्स्ट और सेकंड को, जिसमें आपका ए डी डी सी के इक्वल है, इक्वेट करके मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन 30 प्लस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू साइन 126 अपॉन साइन 30, ठीक
ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे साइन 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू हाफ होती है, वो ऊपर ले गया मैं, साइन 126 और साइन थीटा माइनस सिक्स। अब टू साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन ए साइन बी, एक बार सारे ही आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। टू साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, टू कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, ये बिल्कुल इसी की तर्ज पे चलेगा, कोस ए कोस बी का और टू साइन ए साइन बी का। बस यहाँ पे आपका क्या करना है, आपको जस्ट ये इसको यहाँ पे माइनस लिखना है, ठीक है, इस वाले पार्ट में, ठीक है। या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। सो टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूले में आपको क्या करना है, इस प्लस की जगह बस माइनस करना है आपको। ऊपर है टू साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और टू कोस ए साइन बी में जस्ट आपको माइनस करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब देखते हैं, टू साइन ए साइन बी, अभी बताया था फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना आएगा, 126 प्लस 6, 132 आ गया, ठीक है, माइनस के कोस ए प्लस बी, जब ए प्लस बी आप करोगे तो ये 120 प्लस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कोस 90 प्लस थीटा, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब कोस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा होता है, ये आपको पता है ना, ठीक है, क्वाड्रेंट है भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद रखो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये ज़ीरो, ये आपका 90, ये 180 और ये 270, ठीक है, 0 to 360। यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे आपका साइन और कोसिकेंट, यहाँ पे टेंजेंट और कोट, और यहाँ पे कोस और सिकेंट, ठीक है, ये इस तरह से आप याद रखिएगा। तो ऐसे ही कोस 90 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी सारे नेगेटिव हो गए, इसलिए कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन कोस ना, ये इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस सॉरी कोस 90 प्लस 30 प्लस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। अब कोस 90 प्लस थीटा मैंने आपको बताया क्या होता है, माइनस के साइन 30 प्लस थीटा। अब ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है, ये प्लस हो गया, तो ये जब प्लस हो गया, ठीक है, तो ये जब प्लस हो गया तो ये और ये आपका कैंसल्ड आउट हो गया, ठीक है, जब ये और ये कैंसल्ड आउट हो गया तो ये इधर आपका क्या आएगा, जीरो आ गया, जीरो इज इक्वल टू कोस 132 माइनस थीटा। तो किसकी वैल्यू होती है जीरो, कोस 90 की, तो कोस 132 माइनस थीटा, सो दिस इम्प्लॉयज थीटा इज इक्वल टू 42 डिग्री, और थीटा अगर 42 है, ये 42 है, तो ये एंगल कितना हो गया, 72, वही एक त्रिभुज के तीनों योगों का जो तीनों साइड का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है, बस वो इसमें लगाना है, यानी ये ट्रिग्नोमेट्री है, कभी फेल होती नहीं आपकी, ठीक है। अब एक पिरामिड का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाँ जी, आपके पास ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में आपको एक पिरामिड दिया हुआ था, पिरामिड में आपकी ये दो प्लेन इसको कट करते हैं जो कि बेस के पैरलर है, ये बेस है इसका, स्क्वायर बेस है, इसके पैरलर आपके क्या करते हैं, पिरामिड कट करते हैं दो पैरलर प्लेन, तो आपके तीन पार्ट्स बन गए, और इसकी जो हाइट है इस तरह से कट करते हैं, इसकी हाइट्स इक्वल इक्वल डिवाइड होते हैं, यानी कि ये भी साथ है, ये भी साथ है, ये भी साथ है, ठीक है, इस तरह से ये भी साथ, ये भी साथ, ये भी साथ। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी स्लांट हाइट बनी, ठीक है, ये जो स्लांट हाइट बनी, ये इसका स्क्वायर बनी, ठीक है, तो आपका ये आपका क्या है, इतनी हाफ है, सिक्स होगी, ये सिक्स है,
तो आपका सिमिलर ट्रायंगल से आपका ये 4 बन गया और ये 2 बन गया है। बहुत बार डिस्कस किया है मैंने, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। बार बार रिपीट नहीं करूँगा। सिमिलर ट्रायंगल से आपका 2 और ये 4 हो गया। आपको जस्ट इसका एरिया बताना है, कितना आसान। तो इसका एरिया है। अब इसका एरिया बताने के लिए आपको मतलब जस्ट ये इस तरह से बन गया आपका, इस तरह से, ठीक है। तो आपको जस्ट एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो हर फेसेस आपका बराबर होगा, ठीक है, और हर फेसेस आपका ट्रेपीजियम की तरह एक्ट करेगा। ट्रेपीजियम की तरह एक्ट करने का मतलब, ये आपका अगर 2 है तो ये ऊपर वाली 4 होगी और ये आपकी कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। लेकिन इसकी ये भी तो पता होनी चाहिए हमें, ये हाइट कितनी है, तभी तो आप ट्रेपीजियम के उसका एरिया निकाल पाओगे। अभी हाइट कैसे निकलेगी, वो इस चीज़ के माध्यम से। अब स्लांट हाइट ही इसकी उसके इक्वल होता है, ठीक है। स्लांट हाइट ही आपका, जैसे ये एक पिरामिड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका बन रहा है ना, ये जो इसकी साइड है, ये इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं जस्ट एनालॉजी ही क्रिएट करा रहा था। ये आपका 14 है, दिस इज़ 14, ठीक है, दिस इज़ 14 एंड दिस इज़ 4, सो दिस इज़ इक्वल टू 2√53, एंड दिस इज़ 7, दिस इज़ 2, दिस इज़ 53, ठीक है। सो इतनी आपका कितना आ गया, √53 आ गया। तो यानी कि ये हाइट आपकी कितनी बनी, 53, ठीक है। और ऐसे ये चारों बेसिस जो हैं इसके, एक बेस आपको ये दिख रहा है ट्रेपीजियम का, ऐसे ही एक आपको इस साइड का दिखेगा, चारों इक्वल होंगे। आपको इसका ही एरिया बताना था, ठीक है। अब इसका एरिया आप निकाल लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है, इंटू 4, 24√53। बस यही तो मेरा आंसर था। अब इसमें से ये अंदर ले जाइए, 8 गुना ये 53 इंटू 9, सो ये 8 इंटू 477, यही तो मेरा आंसर था। कितना आसान तो ये ट्रिक है, आपको वैसे ही टफ लगता है, ठीक है। सो प्लीज़, तब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को पहुँचाइए, ठीक है, ताकि यार मेरा भी चैनल ग्रो करे, ठीक है। और आप लोग जितना सहयोग मुझे देंगे, उतना ही मैं आगे फिर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, एक मोटिवेशन मिलेगी, और मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाने की। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।